বাহিনীতে দুর্নীতির অভিযোগে মুখ খুললেন আরও এক সেনাকর্মী। এবার সরব হলেন জম্মু ব্যাটালিয়নের নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট রাম ভগত। বাহিনীর খাবার থেকে গাড়ি একগুচ্ছ অভিযোগ জানিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। এ যেন পুরো প্যান্ডোরার বক্স। এতদিন যা কানাঘুষো শোনা যেত তা এবার প্রকাশ্যে। একের পর এক মুখ খুলেছেন বাহিনীর নিচুতলার কর্মীরা। বৈষম্যের অভিযোগে সরব হচ্ছেন। শুরুটা করেন জম্মু সীমান্তে কর্মরত বিএসএফ জওয়ান তেজ বাহাদুর যাদব। ক্যাম্পের খারাপ খাবারের ছবি পোস্ট করেন। सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। तेज बहादुर पथे हाँटलें जम्मू बटालियन एक नार्सिंग असिस्टेंट। खराब खबर अभिजोग तुले सौरभ हलन। हमारा एक लीटर के लगभग दूध आता है, जिसमें से हम दो टाइम की ही चाय पी पाते हैं, तो उसमें भी आधे से क्या 75% पानी रहता है, तो बाकी का दूध गया कहाँ? हमारा बहुत कुछ मीनू लागू है, तो उस मीनू में से हमको केवल 35% 40 या 30 इतना ही मिलता है। और ये मैं ही नहीं, सेना का हर जवान बोलना चाहता है। তবে শুধু খাবারে দুর্নীতির অভিযোগে আটকে থাকেননি রাম ভগত। রীতিমতো বোমা ফাটিয়ে তার দাবি, অর্ধেক জওয়ানকে দিয়ে অফিসারদের কুকুরের দেখভাল করানো হয়। আধি সে জ্যাদা ফৌজ তো কুত্তে ঘুমানে মে হি লগে হুয়ে হ্যায়, वो भी अधिकारियों के, उनकी फैमिली अगर ब्यूटी पार्लर जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो उसको गाड़ी दी जा रही है, और एक जवान छुट्टी जा रहा है या घर पर कोई इमरजेंसी पड़ गई उधर छुट्टी जा रहा है, तो उसको गाड़ी नहीं दी जा रही। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो जो मैं दे रहा हूं, ये भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी मेरे जो डिप्टी गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री पारिकर साहब, ये हमारे देश के हर जवान तक पहुंचाई जाए। ये अकेला हमारा मेरा दर्द नहीं है, ये पूरी सेना का दर्द है। सबका जो जवान है उसने जो बोला वो सही है, और मुझे जो भी लग रहा है उसकी जो जांच होगी वो आखिर में उसी के खिलाफ होगी, और मैं इसके साथ हूँ हर जगह हर टाइम। বিএসএফ এর তেজ বাহাদুর যাদব, সিআরপিএফ এর জিৎ সিং, প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্মী সুরেশ যাদব, সেনার ল্যান্স নায়ক যজ্ঞ প্রতাপ সিং, রাম ভগত, তালিকা ক্রমশই বড় হচ্ছে। সারা দেশের কাছে বড় হয়ে উঠছে একটাই প্রশ্ন, সত্যি ভালো আছেন তো আমাদের দেশের জওয়ানরা? কমলিকা সেনগুপ্তের রিপোর্ট, 24 ঘন্টা।